जिस मानव को दूसरे का दर्द देखकर दर्द होता है, वास्तव में वही जीवित मानव है। आज के युग में किसी ने भगवान को नहीं देखा, परंतु यह जरूर कहा जाता है कि हर मानव में भगवान बसते हैं। इसलिए मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा कहा जाता है। और इसे बखूबी चरितार्थ करते हुए वार्ड 14 के दीप सिंह नगर विकास समिति के सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों एवं असहायों को कंबल का वितरण किया गया। भिलाई शहर हमेशा से मानवता की मिसाल पेश करता आया है। मौसम कोई भी हो, भिलाई वासी एक दूसरे की मदद हमेशा करते देखे जाते हैं। ऐसे ही शनिवार की रात नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 14 में स्थित बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति ने अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखते हुए एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। शनिवार की रात समिति के कुछ सदस्य निकल पड़े ऐसे लोगों को ढूंढने, जो इस कड़ाके की ठंड में बगैर कंबल के कहीं ठिठुर रहे होंगे। समिति के सदस्यों ने पहले भिलाई का चक्कर लगाया, उसके बाद वे पहुंचे दुर्ग रेलवे स्टेशन, जहां उन्हें ऐसे कई लोग मिले जो बगैर कंबल के इस कपकपा देने वाली ठंड में ठिठुर रहे थे। समिति के सदस्यों ने ऐसे लगभग 50 लोगों को गर्म कंबल का वितरण किया। इसी बीच एक शख्स ऐसा भी मिला जिसे ठंड भी लग रही थी और उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। तभी समिति के उपाध्यक्ष ने इस शख्स को पेट भर खाना उपलब्ध कराया, जिससे उस भूखे शख्स ने समिति के सदस्यों को जी भर कर दुआएं दी। समिति के सदस्यों ने यह बताया कि ईश्वर ने आपको मानव रूप दिया है, तो जरूरी है कि आप अपने मानवता का परिचय जरूर दें और इस जीवन में जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करके आप अपना मानव जीवन सफल कर सकते हैं। मेरा नाम उमेश चंद्र शर्मा, मैं दीप नगर विकास समिति भिलाई वार्ड नंबर 25 से। हमारे समिति के द्वारा ठंड को देखते हुए जो असहाय और मतलब जिनके पास जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास ओढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको आज कंबल वितरित किया गया है। और कोशिश है कि मतलब ठंड से लोगों को निदान मिले, इसी पक्ष में हम लोगों ने हमारी समिति के माध्यम से लोगों को कंबल वितरण किया। एक और भी बंदा शायद मिला था जो भूखा था। हाँ, उसको खाना दिया क्योंकि वो उसको कहीं खाने का इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए हमारे समिति के द्वारा हमारे सदस्य हैं वहाँ, हमारे उपाध्यक्ष श्री राजन महाराणा द्वारा उनको खाना भी खिलाने के लिए प्रबंध किया गया है। आगे और किस तरह से अभियान चलेगा जनसेवा का? हम लोग निरंतर आगे इस तरह के जनता को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी या सामाजिक कार्य में हम लोग हमारी समिति हमेशा निरंतर आगे बढ़ी हुई है। हम लोग इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि हमारी समिति के द्वारा इस प्रकार के कार्य निरंतर चलता रहे। मैं लोक प्रकाश चौधरी, दीप नगर विकास समिति का अध्यक्ष। आज कुछ जनसेवा के कार्य आपके समिति की तरफ से दिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? दीप नगर समिति का उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा समाज सेवा किया जाए और लोगों को प्रति हमारी एक सोच है कि इंसानियत ही इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जो मानव के काम आ जाए, इसलिए छोटा छोटा जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उसके माध्यम से आज ठंड को देखते हुए दीपनगर विकास समिति कमल बांट रही थी, जो जिनको बहुत ज़रूरी है, हम लोगों ने जिनको बहुत आवश्यक समझा, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने आज कमल बांट। मैं राजन महाराणा, दीपनगर विकास समिति का उपाध्यक्ष, और आज हम सदैव तत्पर रहते हैं कि मानव कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करें। एक मेरे पापा गाना गाया करते थे, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। इसी थीम को लेकर हमारी पूरी समिति सदैव अच्छे कार्य करते रहेगी, मानव सेवा करते रहेगी, क्योंकि मानव सेवा ही उस परमपिता परमेश्वर की सेवा है। क्योंकि कोई अगर भूखा है तो उसे भोजन कराएंगे, कोई तन से कपड़े से कमज़ोर है तो उसे कपड़े देंगे, और कोई पैदल चल रहा है तो उसे हो सके चप्पल देंगे। जैसी सेवा हमारी जितनी भावना जितनी शक्ति, उस माध्यम से मानव की सेवा करते रहेंगे और करते रहने का संकल्प लेते हैं। बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति के सदस्यों का यह प्रयास काफी सराहनीय है कि उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिन्हें वाकई रात गुजारने के लिए कंबल की जरूरत थी। समिति के सदस्यों ने ऐसे कार्यों को लगातार जारी रखने का संकल्प भी लिया है, और सच भी है क्योंकि एक मानव ही मानव के काम आता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।